हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल मास्टर ऑफ बॉट्टी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त वीरेन कुमार सिंह, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत बेसिक चीज़ है। मतलब आपको पता है कि फ्लावर जब भी आप पढ़ते हैं, कैलिक्स पढ़ते हैं, कोरोला पढ़ते हैं, एंड्रोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और गायनोशियम आप पढ़ते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया है, बहुत सारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आप उसके बारे में जान चुके हैं। तो कैलिक्स मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कैलिक्स बेसिकली जब आप बेंथमैन हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो कैलिक्स आपको पता है पॉलीसेपैलस हो सकता है, जहाँ पे कैलिक्स जुड़े हुए नहीं रहते हैं। वहीं अगर फ्यूज्ड सेपल्स की बात करें, जहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, गैमोसेपैलस कंडीशन। तो दो कंडीशन है ठीक कैलिक्स का। एक तो अगर वो आपस में उसके जो लोब्स रहते हैं जुड़े हुए रहते हैं, तो वो गैमोसेपैलस कंडीशन होता है। अगर नहीं जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें पॉलीसेपैलस कंडीशन बोलते हैं। फर्दर ये तो हुआ कैलिक्स के बारे में। ये जो है आपके और सारे जो पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है ठीक। और अगर बात करें मॉडिफिकेशन का, तो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं जो कैलिक्स का आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे उन सारे मॉडिफिकेशंस के बारे में। जैसे सबसे पहले आपको मिलता है पैपस, जो एक मॉडिफिकेशन है। एस्ट्रेसी फैमिली में अगर आप देखेंगे कैलिक्स ठीक, क्योंकि जो वहाँ पे हेड इन्फ्लोरेसेंस होता है और उसके अंदर बहुत सारे फ्लोरेट्स होते हैं, तो उसमें आपको ये पैपस मिलेगा। जो कैलिक्स होता है वो पैपस में मॉडिफाइड रहता है। और स्पर्ड कैलिक्स होता है, लीफी कैलिक्स होता है, स्पाइनस, हुड लाइक और बाइलेबिएट। इस लेक्चर में हम सारे इन मॉडिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स। ओके, तो ओवरऑल अगर हम बात करें, तो कैलिक्स जो होता है, जो आपके बुक में दिया है, वो छह टाइप का दिया है। मीन सिक्स टाइप, देयर आर सिक्स टाइप ऑफ मेजर मॉडिफिकेशंस ऑफ कैलिक्स। द फर्स्ट वन इज पैपस। पैपस इज द मॉडिफिकेशन इन द मेंबर्स ऑफ एस्ट्रेसी फैमिली। लाइक इफ यू टॉक अबाउट द मेंबर्स, देन लानिया, सोंकस, डैंडेलियन आर देयर। एंड सेकेंड वन इज बाइलेबिएट। बाइलेबिएट कैलिक्स आर प्रेजेंट इन लैमिएसी फैमिली। लाइक वेरी फैमिलियर मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज ऑसिमम। द थर्ड वन इज हुड लाइक। ओके, वेयर द कैलिक्स इज मॉडिफाइड इन टू हुड। दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स इज फाउंड इन एकोनिटम विच बिलोंग टू द फैमिली रेनानकुलेसी। द फोर्थ वन इज स्पर्ड, वेयर कैलिक्स इज स्पर्ड। यू विल सी दिस मॉडिफिकेशन इन अ प्लांट जीनस कॉल्ड डेल्फिनियम which belong to the family Ranunculaceae. And the fifth one is spinous calyx. Here, calyx is modified into spine-like structure. This modification is found in trapanatans, which belong to the family Trapaceae. And the last and the sixth one is leafy, where calyx remain green and the overall structure is look like a leaf, which is often colored. And this type of modification is found in Musenda genus of the family Rubiaceae. So overall, there are mainly six type of modification of calyx, which you see in different plant families and in different plant genus. Okay, so this was the overall thing. पहला जो हम बात करेंगे वो है हम पैपस के बारे में बात करेंगे, जो मैंने आपको बोला कि ये एस्ट्रेसी फैमिली में पाया जाता है। एस्ट्रेसी फैमिली के जैसे लानिया, सोंकस, डैंडेलियन जो भी है इसके मेंबर्स, उनमें मोस्टली एस्ट्रेसी फैमिली में ही ये आपको मिलेगा। ये पिक्चर मैंने लिया है पनास से। पनास एक जर्नल है, वहाँ से। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे जो है मेंबर, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, सारे एस्ट्रेसी फैमिली के मेंबर हैं। और क्योंकि ये जो आपको एक फ्लावर दिखता है एस्ट्रेसी फैमिली में, वो एक्चुअली एक फ्लावर नहीं होता, वो एक्चुअली हेड इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस मीन्स एग्रीगेशन ऑफ फ्लावर्स। ओके, सो एक जो आपको फ्लावर जैसा दिखता है, एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ और इवन थाउजेंड ऑफ फ्लावर्स आर देयर इन हेड इन्फ्लोरेसेंस। सो
सो ये था एस्ट्रेसी फैमिली का। ये दूसरा फोटो मैंने लिया है साइंस डायरेक्ट डॉट कॉम से। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो पूरा पहला तो ओवरऑल फ्लावर है, फिर आपको साइड से दिखाया हुआ ये पिक्चर है। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, यहाँ पे आप देखेंगे ये कंपाउंड रिसेप्टिकल है। यहाँ पे बहुत सारे डिस्क फ्लावर लगे हुए होते हैं और फिर पेरीफेरी में रे फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। अब आप डिस्क फ्लोरेट या रे फ्लोरेट्स कोई भी आप लेते हैं, वो कंप्लीट आप स्ट्रक्चर देखेंगे, वहाँ पे आपको कोरोला दिखेगा, ओवरी दिखेगा, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये ही एक्चुअली आपका कैलिक्स है, जिसे हम पैपस बोलते हैं। तो इसमें आपको अच्छे से दिखेगा ये जो पिक्चर है यहाँ पे, या तो ये देखिए ये लास्ट वाला, ये इसी हेड इन्फ्लोरेसेंस में से निकाला हुआ एक एक आपका फ्लोरेट है। यहाँ पे नीचे सबसे ओवरी होता है, उसके बाद ये कैलिक्स है जो आपका पैपस, जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रेसी फैमिली में। ओके, हेयर लाइक वो पैपस बोलते हैं, जो एक्चुअली आप देखेंगे इसके सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है, एयर के थ्रू ये कैरी किया जाता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर था एस्ट्रेसी फैमिली में। आप याद रखेंगे एस्ट्रेसी फैमिली में पैपस जो होता है वो पाया जाता है, एक्चुअली ये कैलिक्स ही है जो उसका मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इस पिक्चर में आपको और क्लियर होगा। ये फोटो मैंने लिया है सांता मोनिका माउंटेन ट्रेल काउंसिल की वेबसाइट से। यहाँ आप देखेंगे ये है जो भी आप फ्लावर देखते हैं एस्ट्रेसी में, एक्चुअली ये ऐसा होता है, बाहर जो इसका कैलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली ब्रैक्ट है, रिंग ऑफ ब्रैक्ट है। ओके, उसके अंदर बहुत सारे फ्लोरेट्स होते हैं। अब ये देखिए एक फ्लोरेट निकाला गया, ये रे फ्लोरेट बोलते हैं, ये किनारे वाला, जहाँ पे कैलिक्स का एक या दो या तीन लोब जो होता है लंबा हो जाता है, और डिस्क फ्लोरेट उसे बोलते हैं जहाँ पे जो ये देखिए कोरोला है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, मीन्स उसके सारे लोब्स बराबर होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये पैपस है, पैपस ओके, यही एक्चुअली कैलिक्स होता है आपका, जो मॉडिफाइड फॉर्म में पाया जाता है एस्ट्रेसी फैमिली में। और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे डैंडेल लायन जो आता है, अगर आपका वो आपका आता है वो, आप नेट पे अगर सर्च करेंगे डैंडेल लायन, तो ये है डैंडेल लायन, डैंडेल लायन आप सर्च करेंगे, ये एक्चुअली टेराग्जम जीनस है, उससे उसी का स्पीसीज है टेराग्जम ऑफिसिनेल, उसी को डैंडेल लायन बोलते हैं। आप नेट पे देखेंगे इसके बहुत सारे वॉलपेपर हैं, एक्चुअली ये बहुत अच्छा दिखता है फोटोग्राफ्स में। ठीक, ये देखिए ये जो है आपका ये पैपस है ऊपर, ठीक है, ये तो इसका सीड हुआ और ये हुआ पैपस। ये एक्चुअली जो कैलिक्स होता है ये परसिस्टेंट होता है, तो आप कह लीजिए फ्रूटिंग कंडीशन में भी ये लगा हुआ होता है। तो ये कैलिक्स का मॉडिफाइड ओवरऑल स्ट्रक्चर हुआ, ये तो पैराशूट मैकेनिज्म द्वारा इसका डिस्पर्सल होता है, ये देखिए आप हवा में उड़ रहे हैं। तो इसके बहुत सारे वॉलपेपर हैं, आपको मिल जाएंगे नेट पे। ओके, अब बहुत अच्छे, ये देखिए सारे वॉलपेपर हैं, डैंडेलियन जो जीनस है इसी का है, और ये जो आप देखते हैं ये कैलिक्स ही है। ओके, ये देखिए वॉलपेपर, ओके, बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स होते हैं इसके, बहुत सारे वॉलपेपर। और ये जो वॉलपेपर थे मैंने इसको दिखाया, इसका मैं आपको फोटो सोर्स बता देता हूँ। ये सारे फोटोज जो हैं ये देखिए jetge.net से लिया हुआ था। अब आते हैं हम सेकेंड पे, बाइलेबिएट फॉर्म, ठीक है, ये सेकेंड मॉडिफिकेशन है। ये एक्चुअली आपको लैमिएसे में मिलता है, लैमिएसे फैमिली में अगर आप देखेंगे आपको कोरोला कैलिक्स दोनों बाइलेबिएट कंडीशन में मिलते हैं, मतलब दो लिप बनाते हैं, जैसे आपको ऑसिमम जो जीनस है उसमें आपको देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल ही है ये, बस कैलिक्स का मॉडिफिकेशन शेप के बेसिस पे दिया हुआ है। यहाँ पे दो पार्ट बनते हैं, देखिए एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट, ये दो लिप बनाते हैं, इसी को बाइलेबिएट मॉडिफिकेशन बोला जाता है। ये देखिए इसमें, ये फोटो है बैकयार्ड नेचर डॉट नेट से, दोनों फोटोज ठीक है। तो ये अपर लिप, ये लोअर लिप, तो ये बाइलेबिएट स्ट्रक्चर हो गए। ठीक, अब आते हैं थर्ड मॉडिफिकेशन कैलिक्स का, जो है आपका जिसे बोलते हैं हुड लाइक। हुड लाइक कैलिक्स आपको किस में मिलता है, एक्चुअली के रेनेनक्रेसी फैमिली के एकोनिटम जीनस में मिलता है। एकोनिटम में ये देखिए, ये फोटो पहला वाला फोटो आई फ्लोरा डॉट नेट से है, सेकेंड वाला फ्लोरा विकिपीडिया से है। यहाँ पे एक्चुअली जो कैलिक्स होता है वो पेटल लाइक होता है, तो यहाँ पे आपको कैलिक्स जैसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी ये जो आउटर साइड वाला है ये कैलिक्स ही है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हेलमेट के शेप का है, ठीक है,
हेलमेट के शेप का स्ट्रक्चर ये देखिए यहाँ पे, तो इसे ही बोलते हैं हुड लाइक, ठीक, हुड। या तो आप देखिए जो वो होता है कोबरा होता है उसका जैसे हुड होता है सांप के जैसा, तो इसीलिए इसको हुड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये भी एक थर्ड टाइप का मॉडिफिकेशन था हुड लाइक, ये एकोनिटम प्लांट है ये। फोर्थ पे चलते हैं स्पर्ड, ठीक है, द मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स इनटू स्पर। स्पर कुछ नहीं है, अभी आप देखेंगे ये डेल्फिनियम में मिलता है रैनैनक्यूरेसी फैमिली के। तो ये देखिए यहाँ पे भी जो होता है कैलिक्स वो पेटलॉइड ही होता है, मीन्स पेटल लाइक। तो ये जो आप जो आउटर देख रहे हैं ये कैलिक्स है, और ये जो होता है कैलिक्स का जो जहाँ से कैलिक्स निकला हुआ होता है उसका पीछे का हिस्सा काफ़ी दूर तक पीछे गया हुआ रहता है। यही जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं ये जो है इसे ही हम स्पर बोलते हैं। स्पर ऐसे ही पेटल्स भी स्पर्ड हो जाते हैं, कैलिक्स भी स्पर्ड हो जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे नेक्टर जो होता है वो यूजली जो होता है फ्लावर में जहाँ पे स्पर होता है वहाँ पे नेक्टर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उसी में नेक्टर होता है। और ये फोटो मैंने लिया था पिंटरेस्ट से। ओके, तो ये था आपका स्पर्ड जो कि कैलिक्स का एक मॉडिफिकेशन है, डेल्फिनी में पाया जाता है। फिफ्थ पे चलते हैं, स्पाइनस टाइप ऑफ कैलिक्स इज फाउंड इन ट्रापानेटेंस। ट्रापानेटेंस जिसे आप अगर इधर नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो इसे सिंघाड़ा बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। सिंघाड़ा कहीं कहीं पे समोसे को भी बोला जाता है, तो आप उसे कंफ्यूज मत होइएगा। सिंघाड़ा नॉर्थ इंडियन जो होते हैं बोलते हैं ट्रापानेटेंस के फ्रूट को। ये देखिए ये है आपका सिंघाड़ा, इसे बोलते हैं इसको। ये एक्चुअली यहाँ पे ये देखिए स्पाइनस है, तो ये कैलिक्स ही है ये, और कैलिक्स में यहाँ पे आपको स्पाइन देखने को मिलेगा, तो यही स्पाइनस कैलिक्स है, ठीक है। ये इसका प्लांट है, विकिपीडिया से लिया हुआ ये फोटोग्राफ है, और इसका जो ये फ्रूट बनता है यहाँ पे कैलिक्स रहता है मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, ठीक है। इसको लोग बॉईल करके भी खाते हैं, हलवा भी इसका बनता है अलग अलग टाइप का। तो ये ट्रापानेटेंस प्लांट है। फिर आते हैं सिक्स पे जो कि लास्ट है आपका, लीफी। लीफी कैलिक्स कहाँ पे मिलता है? लीफी कैलिक्स आपको मिलेगा मुसेंडा जीनस में, जहाँ पे जो कैलिक्स होता है आपका वो मॉडिफाइड हो जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। मुसेंडा एक जीनस है रूबीएसी फैमिली में। ये फर्स्ट फोटोग्राफ जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखिए, ये तो इसका पेटल हो गया, ये है इसका सेपल, और यहाँ पे दो को छोड़ के बाकी तीन जो सेपल हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन गया। आपको ओवरऑल ये लीफ ही दिखेगा लेकिन यहाँ पे कलर्ड होता है, ठीक, कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। और ये फोटो है आपका फ्लावरिंग प्लांट फैमिलीज यूएस बॉटनी के वेबसाइट से, इनका कॉपीराइट है जीडी कर का। तो ये मुसेंडा, ये मुसेंडा फ्रोंडोसा है, ये मुसेंडा क्वीन सिरकिट, ये जीनस नहीं है, कुछ ऐसा कॉमन नेम है। बाकी ये मुसेंडा फ्रोंडोसा, यहाँ पे भी आप देखेंगे ये आपका पेटल हो गया। ये जो कैलिक्स है इसके एक दो तीन चार, चार लोब तो ऐसे ही है, पांचवा लोब लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो गया है। ये भी आप कॉमनली देखेंगे, ये भी वही सेम वेबसाइट से लिया हुआ फोटो है। तो ये सारे थे आपके मॉडिफिकेशंस, ठीक है। छह टाइप का मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया। सबसे पहला आपको मैंने बताया पेपर्स जो आपको मिलता है एस्ट्रेसी फैमिली में। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया सेकेंड बाइलैबिएट जो आपको मिलेगा लैमिएसी फैमिली में। थर्ड मैंने हुड लाइक बताया जो आपको एकोनेटम में मिलेगा। फोर्थ मैंने बताया स्पर जो आपको डेल्फिनियम में देखने को मिलता है। स्पाइनस कैलिक्स जो आपको मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? ट्रापानेटेंस में। लीफी आपको मिलेगा मुसेंडा में। ये मेनली सिक्स टाइप के आपके थे सारे, इन्हें याद रखिए, किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है आपके बीएससी एमएससी या कहीं भी आप उसको आंसर करिए। और प्लांट आप देखिए जहाँ पे आपको ये मिले उनका फोटोग्राफ लीजिए, क्योंकि आप वैसे पढ़ते हैं तो आपको याद नहीं रहता, जब तक आप प्लांट नहीं देखते तब तक आपको पता नहीं चलता है। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये आप वीडियो देख रहे थे आपका यूट्यूब चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी जो वीडियोस डालूंगा आपके पास जाता है नोटिफिकेशन जब आप सब्सक्राइब किसी चैनल को किए हुए रहते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरे सारे पुराने वीडियोस के लिंक हैं, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। चलता हूँ मैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.